देखिए ये लोग लगभग 1000 की संख्या में आना चाहते थे, तो मैंने इनको बताया कि दो आने की जरूरत नहीं है, सबको परेशान करने की जरूरत नहीं है, कुछ चुनिंदा लोग आ जाएं। आप देख रहे हैं हरियाणा की तमाम हमारी माताएं बहनें, कोई खिलाड़ी की माँ है, कोई स्वयं खिलाड़ी रह चुकी है, कोई खिलाड़ी की कोच है, बहुत बड़ी मात्रा में ये पहलवान आए हैं। और इनकी कुछ समस्याएं हैं, इन समस्याओं को हमने सुना है, मैंने आश्वासन दिया है कि इनकी बात मैं माननीय गृहमंत्री जी और गृहमंत्री जी के माध्यम से प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाऊंगा। और मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें जब गृहमंत्री जी तक पहुंचेगी या प्रधानमंत्री जी तक पहुंचेंगी तो इनके कष्ट का निवारण होगा। दूसरा, थोड़ा सा खेल की गतिविधि भी ठप है, जैसे कुश्ती संघ का जो विवाद काफ़ी दिनों से चल रहा है उसको लेकर के नेशनल नहीं हो रहा है, जूनियर नहीं हो रहा है, ट्रायल की भी अपनी अपनी कुछ समस्याएं हैं, उसको लेकर के कुछ बच्चे चिंतित हैं। और बहुत बड़ी संख्या में बच्चे मिलना चाहते थे, मैंने इनकी संख्या 1000 होने वाली थी। जहाँ तक मुझे लगता है कि इसमें तमाम ऐसे बच्चे हैं जो पहले धरने पर मेरे खिलाफ बैठे थे, वो बच्चे भी हैं और वो बच्चे भी मिलना चाहते हैं, लेकिन मैंने कहा इतनी भीड़ की ज़रूरत नहीं है और हमारा बच्चों से कोई बैर नहीं है, खिलाड़ियों से कोई बैर नहीं है, हमारा सम भाव रहता है, चाहे महाराष्ट्र का हो चाहे हरियाणा का हो, बच्चे हैं और ये बच्चे जो खिलाड़ी होते हैं सब मान करके चलो कि सामान्य परिवार से या कह लो गरीब परिवार से, मतलब जो निचले पायदान पर या दूसरे पायदान पर खड़े हैं उन्हीं के बच्चे खिलाड़ी बनते हैं, कुछ लोगों को बड़े भी बनते होंगे। तो इन हमें ये कुछ उम्मीद के साथ आए हैं, इनकी बात मैं सरकार तक पहुंचाऊंगा और इनको भरोसा दिलाता हूं कि इनकी बात सरकार तक पहुंचेगी, हमारे मोदी जी या अमित शाह जी गृह मंत्री जी तक बात पहुंचेगी तो जरूर इसको संज्ञान में लेंगे। इनसे बाहर बात हुई थी मेरी तो इन्होंने बताया कि आपको समर्थन दे रहे हैं, जो भी आपके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है आपको समर्थन देने आए देखिए हैं। देखिए मैं पहले से कह रहा था कि हरियाणा में 85 बनाम 15 का था, अब तो 95 बनाम 5 का हो गया है, मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं एक गांव गरीब परिवार से निकल करके यहाँ आया हूँ, मैं जानता हूँ कि गांव की समस्याएं क्या होती है, कितने कष्ट सहते हैं गार्जियन अपने बच्चे को कामयाब करने के लिए, और इसलिए मेरा किसी बच्चे से कोई बैर नहीं है। और अब तो सारी चीजें खुद स्पष्ट हो रही हैं, सारी चीजें खुद स्पष्ट हो रही हैं, आप स्वयं देख रहे होंगे कि मीडिया में मेरे खिलाफ क्या था, आज क्या है, आगे क्या होगा। मैंने कभी बच्चों का बुरा नहीं चाहा है और ना आगे चाहूंगा, और मेरे लिए वैसे हरियाणा वैसे उत्तर प्रदेश। और आज फिर करना चाहता हूँ, हरियाणा खेल का सिरमौर है और हरियाणा के बच्चे अगर खेल का सिरमौर है, देश का मान बढ़ाते हैं, तो उसके पीछे उनकी उनके माँ बाप का त्याग है, बलिदान है, जो सेक्रीफाइस करते हैं अपने बच्चे के लिए, इस नाते आज हरियाणा खेल का सिरमौर है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने सभी माताओं बहनों को सबको आश्वासन देता हूँ, परेशान मत होइए, मोदी जी तक और गृह मंत्री जी तक आपकी बात पहुँचाऊंगा। और इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। पानी पत्ता हुआ कुछ सर, आखिरी WFI के इलेक्शंस होने वाले हैं, उस पे उसको कैसे देखते हैं? अभी आपका भी कार्यकाल खत्म होने वाला है तो कैसे देख रहे हैं? देखिए आगे आगे होता है क्या है, आगे के आगे आगे अपने ट्रायल पे कुछ बोलेंगे जो केस में चल रहा है? या बहुत बच्चे कोर्ट गए हैं, कचहरी गए हैं, ये लोग ट्रायल पर बोल रहे हैं, अब हमको न बुलवाइए, आज हमको बस इन्हीं से मिलने दीजिए, ठीक।